फील्ड का जिक्र करते हुए विजय सिन्हा ने सीधे तौर पर जोरदार हमला लालू प्रसाद के ऊपर किया और एक बार फिर से जो सजा वो काट चुके हैं उस सजा को फिर से उन्हें देने की मांग कर दी गई। वहीं आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह के बयान पर अब सियासत बेहद गर्म है। फतेह बहादुर ने देवी दुर्गा को लेकर विवादित बयान दिया है। फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि देवी दुर्गा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है और ये सब कुछ काल्पनिक है। देवी दुर्गा की उत्पत्ति को लेकर भी फतेह बहादुर सिंह ने कई सवाल उठाए हैं और मनुवाद के बहाने हिंदू आस्था पर ही प्रहार किया। फतेह बहादुर सिंह ने यहाँ तक कहा कि जब देवी दुर्गा इतनी ही शक्तिशाली थी तो उन्होंने अंग्रेजों का संहार आखिर क्यों नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्होंने पूजा पाठ को भी फिजूल खर्ची बता दिया। दुर्गा को देवी मानते हैं? काल्पनिक, एक काल्पनिक कहानी है। दुर्गा उस कहानी का एक पात्र है। कोई देखिए, मैं मान लेता, मेरे पास साक्ष्य है, अगर दुर्गा जी या हमारे देश में मनुवादियों के अनुसार 33 करोड़ देवी और देवता हैं, लेकिन जब भारत गुलाम हुआ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में आया और भारत को गुलाम बनाने का काम किया, उस समय भारतीयों का संख्या जो था 30 करोड़ था और देवी देवताओं का संख्या भारतवर्ष में 33 करोड़ था। तो क्या मैं उन मनुवादियों से पूछना चाहता हूँ जिन मनुवादी ने ये लिखा कि महिषासुर के हज के करोड़ों करोड़ सेना के साथ माँ दुर्गा ने लड़ाई लड़ा और महिषासुर को संहार कर दिया, तो मुट्ठी भर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत को गुलाम बनाया तो उस समय माँ दुर्गा ने क्या कर रही थी? दसों हाथ का औजार कर रहा था और जो पंडाल वंडाल बनता है दशहरा में, ये सब होना चाहिए कि नहीं? ये नाजायज खर्च है। तो फतेह बहादुर के बयान पर सियासत अब गर्म हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह पर हमला किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि महागठबंधन सरकार के मंत्रियों का काम ही बस यही रह गया है कि वो हिंदुओं को गाली दें, सनातन धर्म का अपमान करें, ये एक फैशन सा चल पड़ा है। फैशन चल गया है कि हिंदुओं को गाली दो, सनातनियों को गाली दो। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के भी एक दो नेता हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज भी कह रहा हूं, किसी धर्म को गाली दिया जाए, चाहे किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, हिंदू होकर के हिंदू को गाली देने का किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन यहां की सरकार को आनंद आता है कि अगर हिंदू अपमानित होते रहे। तो वहीं आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह पर विजय सिन्हा ने भी जोरदार हमला किया। विजय सिन्हा ने कहा कि आरजेडी हमेशा से सनातन धर्म का अपमान ही तो करती आई है। लालू और तेजस्वी को ये बताना चाहिए कि उनकी सनातन धर्म के प्रति आस्था है या नहीं। जिस तरह के भाषा का उपयोग कर रहे हैं और सनातन के संतानों को उसकी आस्था पर चोट कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं और पूरे माँ भारती के संतान को ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग करके जो तुष्टीकरण का खेल खेलना चाहते हैं, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी मानसिकता का बहिष्कार करना चाहिए। तो आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर के बयान के बाद से अब इस पर सियासत गर्म हो चुकी है। बीजेपी ये कह रही है कि ये तो परिपाटी है आरजेडी की और उसी मानसिकता को प्रदर्शित कर रहे हैं फतेह बहादुर भी। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर के देवी दुर्गा पर दिए बयान के बाद अब इस विवादित बयान को लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी अपने अपने तरीके से सामने आई है। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने जहां विधायक को इस तरह का बयान न देने की सलाह दी, नसीहत दी, तो वहीं बीजेपी ने विधायक पर जोरदार हमला किया है। माननीय विधायक जी ने माँ देवी दुर्गा पर क्या कहा है, क्यों कहा है, किस संदर्भ में कहा है, ये तो वो बताएंगे। हम तो सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, सब लोग अपने अपने धर्मों के अनुसार आस्था है भगवान में, लोग पूजा करते हैं। ऐसे बयानों से परहेज करना चाहिए जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचता हो। हम सभी देवी देवताओं को मानते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सब लोग अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने भगवान को पूजते हैं, ये राजनीति का विषय नहीं है।
राजद का मतलब होता है राजसी प्रवृत्ति और जलादी संस्कृति वाला दल, तो इनके जो विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह, ये राजसी प्रवृत्ति के और जलादों वाली संस्कृति वाले व्यक्ति हैं, और ये जो हिंदुओं पर जो कटाक्ष कर रहे हैं, अगर इन दूध पिए हैं तो ये अगर किसी मुसलमान के बारे में बोले, कोई इस्लाम के बारे में बोले या कोई और धर्मों के बारे में बोले, तो इनका जो है असली साइज में पहुंचाने का ये लोग काम करेंगे। लेकिन हिंदू पर बोलते हैं, चूंकि सनातन जो है दया धर्म और हिंसा पर चल अहिंसा पर चलने वाला। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में आस्था रखकर अपना काम कर सकता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एक ऐसा बिहार बनाया है जहां हर जाति धर्म के लोगों को अपना काम करने की छूट है। हम लोग हर किसी का सम्मान करते हैं। सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में हर किसी को भाषाई मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। कोई भी ऐसी बात जिससे किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे, ऐसी चीजों से बचना चाहिए। महागठबंधन के हरेक साथी की यह जवाबदेही है कि भाजपा जैसी उन्मादी भाषा न बोले। हमारा देश वो है जिसने नास्तिकों को भी पूरा सम्मान दिया और चारवाक तक को हमारे मनीषियों ने महर्षि कहा, लेकिन चारवाक ने कभी आस्तिकों का मजाक नहीं उड़ाया, वो तर्क रखते थे। राजद विधायक से हमारा यही अनुरोध है कि संभव है कि आप नास्तिक हो, लेकिन नास्तिक होने का यह मतलब नहीं कि आप आस्तिकों का मजाक उड़ाएं। आप तर्क रखिए, उसका स्वागत है, लेकिन आप अस्तित्व पर सवाल उठाइए, मजाक उड़ाइए। ये नास्तिकतावाद नहीं है, ये एक तरह की धृष्टता है। तो आरजेडी के विधायक के मां दुर्गा पर विवादित बयान के बाद सियासत इस पर थमने का नाम नहीं ले रही। एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि ऐसे पागल विधायक पर लालू प्रसाद को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ये आरजेडी के नेताओं के ये मतलब नीचे, ये हम तो एक तरह से कहेंगे पागल लोग हैं। अरे इनके जो गॉडफादर है, इनके जो सुप्रीमो है लालू जी, वो घूम घूम करके यहां से गोपालगंज और पूरे पटना और पूरे देश में घूम करके देवी दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और अपना कष्ट दूर करने की कामना कर रहे हैं, और ऐसे दो चार ठो पागल लोगों को ये पता नहीं। हम तो कहेंगे कि लालू जी को कम से कम कार्रवाई करिए। तो मूर्ति विसर्जन के दौरान हो रही पत्थरबाजी और हिंसा के बाद लोगों के मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, और उन सवालों का जवाब देने के लिए राजनीतिक दल सामने नहीं आ रहे, बल्कि अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां जरूर सेकी जा रही हैं। छपरा से बड़ी खबर, जहां दो दिन के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। सांप्रदायिक तनाव के बाद एसपी की तरफ से यह निर्देश दिया गया है, जिसमें मूर्ति विसर्जन के दौरान कल जमकर बवाल हुआ था। दो पक्षों के लोग एक दूसरे के आमने सामने थे, जमकर पत्थरबाजी की गई और इस पथराव में 6 लोग घायल हो गए।